अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है, खैरियत से है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास मान TGS 400 है। इसका जो डिस्प्ले में ये मेल फंक्शन इंजन कंट्रोल यूनिट लिखा आता है और इंजन लाइट जलता है और स्टॉप का निशान आता है। अगर हम चाबी बंद भी करते हैं तो भी मेल फंक्शन कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ आ रहा है, और फिर हम ऑन कर रहे हैं तो फिर भी मेल फंक्शन इंजन कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ आ रहा है। तो आज हम इसको ठीक करेंगे। अगर कंप्यूटर से इसका फॉल्ट कोड चेक करेंगे तो EDC फॉल्ट कोड 03089 चार्ज या टेम्परेचर सेंसर का कोड दिखाता है। तो हम पहले केबिन को उठा लेंगे, फिर लेफ्ट साइड में डायनो से थोड़ा पीछे की तरफ एक सेंसर लगा हुआ है। इसको चार्ज या टेम्परेचर सेंसर कहा जाता है। इसका फीसा को आराम से घुमा कर निकाल लेंगे और निकाल के 27 नंबर रेंच लेंगे। 27 नंबर रेंच लेके इसको आराम से खोल लेंगे, खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये सेंसर खुल चुका है। इसी को कहा जाता है चार्ज या टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर हम नया सेंसर लेंगे, ये है नया सेंसर, और इसको इसकी जगह पर फंसा लेंगे और फंसा के इसको 27 नंबर रेंज से अच्छी तरीक़े से टाइट कर लेंगे और इसका फीसा को लगा लेंगे। फिर हम केबिन के अंदर जाएंगे, जाकर डिस्प्ले के पास इसको चेक करेंगे चाबी ऑन करके। ये देखिए उसमें इंजन लाइट चला गया है और मेल फंक्शन इंजन कंट्रोल यूनिट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो इंजन लाइट आता था वो नहीं है। तो ये गाड़ी जो है सही हो गई है। ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।